नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकाश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी समग्र शिक्षा अभियान या फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक टीचर रिक्रूटमेंट निकले तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो ये रिक्रूटमेंट निकले दोस्तों, एक प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए निकली है। बाकी जो अपर प्राइमरी आप उसे टीजीटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपकी अपर प्राइमरी होती है छठी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक का होता है, ठीक है। तो इसमें जो इलिजिबल है दोस्तों कैंडिडेट, चाहे हम पीआरटी की बात करें या फिर हम अपर प्राइमरी की बात करें, तो बीएड वाले कैंडिडेट दोनों ही जगह इलिजिबल है, ठीक है। अब दोस्तों जो ये रिक्रूटमेंट निकले, इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दे दूंगा, ठीक है। उसमें अप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके भर के फिलअप करके अच्छे से आपको इनके मेल आईडी पे सेंड करना है वो। बाकी दोस्तों हमेशा की तरह आपको सारी जानकारी नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगी, उसमें बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर रखा। और वो नोटिफिकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपकी रिक्रूटमेंट निकली है, ये निकली है दोस्तों भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली में आपकी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी या फिर जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो इसमें आवेदन करने के इच्छुक है, वो निश्चित ही दोस्तों नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करके अगर वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आराम से उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा है। और दोस्तों एसएससी के अंतर्गत आप और कहीं भी किसी भी स्कूल में अगर कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट किसी भी तरह से अगर टीचर बनते हैं तो दोस्तों उसके अलग ही फायदे होते हैं। इसमें दोस्तों मैंने दिल्ली का एग्जांपल देकर आपको बताया, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखे तो उसका लिंक इधर आई बटन और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, एक बार चाहे तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आप नॉर्मल लगते हैं तो आपको क्या फायदे और अगर आप एसएससी के अंतर्गत लगते हैं तो आपको क्या फायदे, स्पेशली दिल्ली का एग्जांपल देकर मैंने आपको उसमें बताया। तो बस दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और भी कहीं भी भारत में अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर गेस्ट या फिर परमानेंट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकलते हैं टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर केवल शिक्षक और शिक्षण से संबंधित सारी वीडियोज होती है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।